अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोग को वेलकम है जी इस चैनल पे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और उसका जो हमने आर्टिकल पढ़ना है, दैट इज़ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स या रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। तो गाइस, एज एवर आई से, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। इस वीडियो को लाइक करना है, अच्छे वाला कमेंट करना है, दिल वाला जो होता है ना, वो बड़ा मज़े का करके, वो वाला आपने कमेंट करना है। और गाइस, इसके अलावा अगर आप इससे भी ज़्यादा फास्ट अलर्ट चाहते हैं, तो आप, मैंने नीचे यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं, ताकि सारी वीडियोज़ के अलर्ट्स जो हैं आपको जल्दी ही मिलती चली जाएँ। तो गाइस, इसके अलावा मैंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक भी नीचे शेयर कर दिए हुए हैं, उनमें आप डेफिनेटली वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, व्हाटएवर, आप हर जगह पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, फिर चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ, बिकॉज टाइम कम है। आप लोग पहले ही कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, तो चलो मैं बातें नहीं करता। आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है, दैट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको आपने पढ़ा हुआ, इसको एक तो हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हाइड्रोजिनेशन। मुनीत, जूम कर लेना थोड़ा सा। हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। एंड गाइस, इसको हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्यों लिखा, दैट्स द रीज़न के बेसिकली जो अल्कीन्स होते हैं, वो एक वीकर पाई बॉन्ड होने की वजह से ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो इसके जितने भी रिएक्शन हैं उनके साथ हम एडिशन ज़रूर लिखते हैं, तो हाइड्रोजिनेशन भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको हम सबटायर सैंडल्स रिएक्शंस भी कहते हैं, ये आप पीछे पढ़ चुके हुए हैं, सबटायर सैंडल्स रिएक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, सबटायर सैंडल्स रिएक्शंस। तो गाइस, अब इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर और उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देती है, उसका एक वीकर पाई बॉन्ड ब्रेक करके। अच्छा, तो गाइस, अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो पहले तो हम देख लें कि जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, आपने इसके अंदर डिफरेंट कैटलिस्ट पढ़े थे, उनमें जो आपने 3 कैटलिस्ट पढ़े थे, मैं बता दूं, मैं यहाँ एडिशनली लिख देता हूँ, कैटलिस्ट यूज्ड। इसके अंदर जो इससे पहले आपने कैटलिस्ट पढ़े हैं, सबसे पहले आपने पढ़ा था निकल, नंबर 1 पे आपने पढ़ा था निकल एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड नंबर पे जो आपने पढ़ा था, दैट इज़ प्लैटिनम एट रूम टेम्परेचर। और एट नंबर 3 आप जो पढ़ते हैं वो है पैलेडियम, वो भी आप पढ़ चुके हुए हैं। पैलेडियम है इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिक्विड सॉल्वेंट कॉल्ड क्विनोलिन। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है इसका चौथा कैटलिस्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेने निकल। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब रेने निकल को जब हम डिस्कस करते हैं, इसको तो बाद में डिस्कस करते हैं, मेन हमने आज यही पढ़ना है, इसको तो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले आपको एक दो छोटी छोटी बातें बता दूं हाइड्रोजिनेशन के हवाले से। हम टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं, तो देखें, आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन सारे का सारा करना है, जूम आउट करके थोड़ा आप देखें। अच्छा, इसमें ना देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 151 है, कुछ में 152 या 150 भी होगा। तो देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आपने वर्ड बाई वर्ड सारा याद करना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ए टू जी सारा लिखना है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा देखें, हाइड्रोजनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू एन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एट मॉडरेट प्रेशर 1 to 5 एटमॉस्फेयर। एक तो ये 1 से लेकर 5 तक का एटमॉस्फेयरिक प्रेशर है, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, आप इसको याद रखेंगे। टू गिव अ सैचुरेटेड कंपाउंड द प्रोसेस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो इसको हाइड्रोजिनेशन के साथ साथ हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का नाम भी दे सकते हैं। दिस में ऑल्सो भी कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, आप इसको ये भी कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा जब एक मोल हाइड्रोजन ऐड हो जाए और सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए, तो ऐसे में हीट की जितनी अमाउंट एब्जॉर्ब और रिलीज होती है, उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन भी गिवन है,
इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ हीट अवॉर्ड व्हेन वन मोल ऑफ एन अल्कीन इज हाइड्रोजिनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन. द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ मोस्ट अल्कीन्स इज अबाउट 120 किलो जॉल पर मोल फॉर ईच डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. तो ये बात भी मल्टीपल चॉइस है कि हर डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट जो रिलीज होती है 120 किलो जॉल पर मोल होती है. ये भी बात मल्टीपल चॉइस है. कैटलिस्ट एम्प्लॉयड आर प्लॉटिनम पैलेडियम रेने निकल. ये मैंने पहले लिख दिया. अब रेने निकल की हेडिंग दी गई है, आप एज इट इज़ इसकी हेडिंग देंगे. अब इसका रिएक्शन देख लें. बेसिकली मैं आपको समझा दूं कि ये रेने निकल है क्या. ये समझाने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है. क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें, नहीं थोड़ा फोकस कर लेना इस पर. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाट इज मेंट बाय, व्हाट इज मेंट बाय रेने निकल. रेने निकल क्या बला होती है? ये ऐसे नहीं लगता जैसे कह रहे रेने निकल, चल निकल यहाँ से. एनीवे ऐसा नहीं है, इसका नाम है रेने निकल. तो ये क्वेश्चन है. इसके अलावा डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स एप्लीकेशंस. अब जब एप्लीकेशंस की बात होती है ना, तो एप्लीकेशंस का मतलब यही होता है कि इसका आपने रिएक्शन लिखना है, वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन या वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स. तो ये एक ही बात है. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह से करना है. पहली बात करें रेने निकल क्या बला है. देखिए इसमें होता क्या है, हम निकल मेटल है और इसके साथ एल्युमिनियम एक मेटल है, इसका मिक्सचर होता है, इसको अलॉय बोलते हैं. निकल और एल्युमिनियम का अलॉय, गाइस ये एक अलॉय होता है, इसको हम डिसॉल्व कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, NaOH सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली साथ में हम वाटर भी लिखते हैं H2O. तो गाइस होता क्या है, जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो बेसिकली इनका आपस में ये बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक हो जाता है. निकल और एल्युमिनियम अलहदा हो जाते हैं और एल्युमिनियम बेसिकली सोडियम के साथ मिल जाती है तो ये सोडियम एल्युमिनेट बन जाता है, NaAlO2. दिस इज सोडियम एल्युमिनेट. और साथ में निकल जो होती है ये सस्पेंड होके नीचे बैठ जाती है. चलें मैं ये डाउनवर्ड एरो से शो कर देता हूँ, ये नीचे बैठ जाती है, सस्पेंड हो जाती है, साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाती है. ये बैलेंस नहीं है, इनफैक्ट आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते. दिस इज सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम एल्युमिनेट. मुनीब सही आ रही रिकॉर्डिंग में? एल्युमिनेट गाइस, देयर इज़ माय कैमरा मैन मिस्टर मुनीब. तो इनफैक्ट मैं उससे पूछ रहा होता हूँ साथ साथ में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा मुनीब आ गया बीच में. एनीवे सोडियम एल्युमिनेट बन जाता है. अब इनफैक्ट ये जो निकल है, ये जो नीचे सस्पेंड हो चुकी होती है, दैट निकल इज़ कॉल्ड रेने निकल. इसका नाम है रेने निकल. और इनफैक्ट होता क्या है, ये रेने निकल ऐसे फ़र्ज करेंगे एक मेटल है, ये नीचे बैठ जाती है पाउडर फॉर्म में. अब इसके ऊपर हाइड्रोजन आके जुड़ना शुरू हो जाती है इसकी सरफेस पे. लाइक आप ये कह लें ये निकल है तो इसके ऊपर ये हाइड्रोजन जुड़ गई, फिर ये थोड़े थोड़े फासले पे हाइड्रोजन जुड़ना शुरू हो जाती है, उसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाती है. फिर जब हम इसमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गैस की फॉर्म में पास करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ से उतर के उनके साथ लग जाती है और एक एक बॉन्ड तोड़ देती है. डबल है तो वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपल है तो डबल में कन्वर्ट हो जाता है. तो उसमें भी देख लें. अब इसकी एग्जाम्पल्स या एप्लीकेशंस की बात कर लें. एग्जाम्पल्स जो हैं, मैं डेफिनेटली वही एग्जाम्पल्स यहाँ शो करूँगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं. अपने पास वाली एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने नहीं बतानी. तो देखें इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल दी गई है थ्री मिथाइल वन ब्यूटीन की. थ्री मिथाइल वन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ये बनेगा, थ्री मिथाइल वन ब्यूटीन, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा. गाइस जब इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, तो उसको मैं जस्ट निकल ही लिख देता हूँ, रेने निकल या सिंपली रेने निकल ही लिख दें. तो गाइस होता क्या है कि ये हाइड्रोजन जो होती है ये इन दो हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन हैं उनके ऊपर अटैच हो जाती है, इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में.
बाकी सारा कंपाउंड वैसे का वैसे ही रहेगा। ये सी एच से सी एच टू हो जाएगा और सी एच टू से सी एच थ्री हो जाएगा। अब इसका नाम होगा, पहले मैं इसका नाम लिख दूं, इसका नाम था थ्री मिथाइल वन ब्यूटीन, और इसका नाम जो बनेगा वो या तो टू मिथाइल ब्यूटेन होगा या फिर इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। आप इसको आइसोपेंटेन भी कह सकते हैं, आइसोपेंटेन। तो यहाँ पर एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट थ्री मिथाइल वन ब्यूटीन टू आइसोपेंटेन। ये मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, हाउ विल यू कन्वर्ट थ्री मिथाइल वन ब्यूटीन टू आइसोपेंटेन या फिर टू मिथाइल ब्यूटेन। तो ये किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये एग्जांपल मुश्किल है। अगर ये एग्जांपल नहीं पूछी गई तो आप फिर जो है ना, आप कोई दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है, दूसरी एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है वो सिंपल है, बेंजीन की एग्जाम्पल है। तो वो देख लें, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, इनफैक्ट इसकी एग्जाम्पल टू जो है, बेंजीन का जो इनफैक्ट फॉर्मूला होता है गाइस, वो ये होता है कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। इसको हम सर्कल की मदद से भी जाहिर कर देते हैं, वो क्यों करते हैं वो चैप्टर 9 में डिटेल में जाके बताऊंगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होती है। अब इनफैक्ट यहाँ पर हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन होती है, ये इसका हर कोना कार्बन को जाहिर करता है और हर जगह पर एक एक हाइड्रोजन होती है। जब तीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मतलब छः हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, तो गाइस इसमें फिर होता क्या है, छः हाइड्रोजन छः जगहों पर अटैच हो जाती हैं, दरमियान वाले डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये इसकी हाइड्रोजिनेशन होगी। नाउ दैट इज बेंजीन, ये बेंजीन है एंड गाइस ये साइक्लोहेक्सेन। ये बेंजीन जो है अनसैचुरेटेड है, जबकि साइक्लोहेक्सेन जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोजन में, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इनफैक्ट हाइड्रोजिनेशन का मेन पर्पस, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वो टूट फूट जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। अब इसकी आखिरी लाइन जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, वो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम वेजिटेबल जो ऑयल होता है उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, लेकिन ये मैं पहले बता चुका हूँ जब हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ी थी। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस आखिरी लाइन के ऊपर चाहे आप हेडिंग दे लें इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की, तो इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या बनती है? इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बनती है कि हम जो वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल ऑयल को हम हाइड्रोजिनेशन करके हम सेम कैटलिस्ट में रहने निकल की प्रेजेंस में जनाब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं वेजिटेबल घी, इसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसे में दिस वन जो होता है ये अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड, और दिस वन जो होता है दैट इज सैचुरेटेड। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन में आता है जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है। गाइस इससे आगे जो रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड्स, लेकिन ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये लेंथ ही है, हम इसको स्किप करके इससे आगे वाला रिएक्शन पढ़ लेते हैं जो कि पेज नंबर आएगा 153 पे। तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पढ़ लेते हैं और इससे नेक्स्ट जो है वो फिर हम नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखें एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस। जब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो ऐसे में बेसिकली अल्कोहल्स बनती हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स, या तो ऐसे पूछा जा सकता है, या आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है इथीन की। तो इथीन की एग्जांपल जो दी गई है वो कन्वर्ट होता है जाके अल्कोहल में, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि आप इथीन को इथाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करें, दैट्स द क्वेश्चन। हाउ इथीन इज कन्वर्टेड टू
इथाइल अल्कोहल। गाइस ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक के ऊपर ही मेंशन कर लें। अब इसमें होता क्या है, जो इथीन है, इथीन लाइक हम ये कहते हैं जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो गाइस सल्फ्यूरिक एसिड का जो पूरा फॉर्मूला है अब ये देखें, ये इसका पूरा फॉर्मूला है। अब मेरे पास जगह बचेगी तो मैं यहाँ नीचे को ले आता हूँ इसको। तो यहाँ पर देखें, इसकी पोलैरिटीज़ को देखें तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये भी पार्शियल पॉजिटिव। अब इन फैक्ट यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो डबल बॉन्ड है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करते हैं। एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पर चला जाता है, और इस ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर होता है, अब वो लोन पेयर क्या करता है, वो इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब इस कार्बन पे तो इस ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन इस कार्बन से लग जाती है, ये बन जाता है CH3। मैं इसको H3C लिख देता हूँ, H3C सिंगल बॉन्ड बन गया ये वाला, ये CH2 ही रहेगा। और अब ये पूरा कंपाउंड, ये तो हाइड्रोजन तो गायब हो गया ना, बिकॉज ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया था। अब ये ऑक्सीजन और ये पूरा ग्रुप आगे इसके साथ अटैच हो जाता है। लुक एट दिस, ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये OH, ये बेसिकली इसको बोलेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज कॉल्ड इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो गाइस अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, अब हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करके 100 डिग्री कर देते हैं। ये एज इट इज़, जैसे आपकी बुक में इसकी थ्योरी लिखी हुई है वैसे ही आपने इसकी थ्योरी भी मेंशन करनी है। तो यहाँ पर देखें, बॉइलिंग वाटर इसके अंदर हम ऐड करते थे जिसका टेम्परेचर एट मिनिमम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब ये देखें, ये जो हमारी प्रोडक्ट बनी है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। तो गाइस इसके अंदर हम वाटर डाल देते HOH। मैं ऐसे वाटर को लिख दूं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? है अभी तो मैंने कौन सा बाज आ जाना, मैंने तो ऐसे ही लिखनी है। अच्छा ये देखें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। तो गाइस यहाँ पर क्या है, ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव। एज इट इज़ यहाँ पर देखें तो ये वाली जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये सल्फर भी पार्शियल पॉजिटिव है और ये भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो होता क्या है, यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड दरमियान में टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड दरमियान में से टूटेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, और ये जो लोन पेयर होता है इस ऑक्सीजन का, वो इस प्रोटॉन को अपनी जगह से रिमूव कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो बच्चों अब देखें हुआ क्या है, इधर से ये बॉन्ड टूट गया, इधर से ये बॉन्ड टूट गया। अब ये ध्यान से आपने समझना है कि इसको मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ। ये CH3 वैसे का वैसे ही, ये CH2 आ गया, इसके साथ अब लग गया ये OH ग्रुप, ये इथाइल अल्कोहल बन गया, और इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन, ये H2SO4 कंप्लीट हो गया। तो ये इथाइल अल्कोहल हमारा बन जाता है, इसको एथेनॉल भी कहते हैं हम, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो गाइस
दैट्स इट। यहाँ पर हम आज के जो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें जो भी आपके क्यूरीज होंगी, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके सामने कोई, आपके दिल में कोई अच्छी सजेशन है तो वो आप बता सकते हैं। अब इसका सेकंड रिएक्शन हमने छोड़ा है, वो हम कल पढ़ेंगे और उसके साथ फिर फोर्थ रिएक्शन को पढ़ेंगे। लेकिन ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको अब स्किप नहीं करना। ये इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपका लेक्चर आता चला जाएगा। और कुछ थोड़ी मसरूफियत होती हैं, समटाइम्स लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं किए जाते, तो आप थोड़ा सा वेट कर लिया करें। एनीवे मेरी कोशिश होगी कि डेली बेसिस पे लेक्चर आता चला जाए। बाकी गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे वाला दिल वाला कमेंट आपने ज़रूर करना है, मेरे लिए भी और मुनीब भाई के लिए भी। और गाइस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।